नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज सोलबिलिटी. ओके, तो हेलोइल्किन्स आर स्लाइटली पोलर्स. ये हमें पता है कि ये पोलर्स होते हैं हेलोइल्किन्स, ठीक है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही कम सोलबल होते हैं वाटर में. आप देखोगे काफी बुक में तो आप देखोगे लिखा हुआ है कि ये इनसोलबल होते हैं, बट आपके यहाँ जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो दिया गया है कि ये क्या होते हैं, स्लाइटली सोलबल होते हैं वाटर में. ओके, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो फॉर्म नहीं कर पाते हैं H2O के साथ, पहली प्रॉब्लम. और सेकेंड प्रॉब्लम इज जो H2O के बीच में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको ये ब्रेक नहीं कर पाते, ठीक है. दोनों ही प्रॉब्लम है कि एक तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते, दूसरा जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वाटर मॉलिक्यूल्स में, वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड, उसको ये ब्रेक नहीं कर पाते, इस वजह से ये इनसॉल्युबल होते हैं. ओके, लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करें तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं, जैसे कि हमारा एल्कोहल है या ईथर है, ठीक है, इसमें ये बहुत इजीली सॉल्युबल हो जाते हैं. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज डेंसिटी. ठीक है, डेंसिटी पर आते हैं, तो डेंसिटी के केस में आप ये जान लीजिए, जैसे हमारा क्लोरो एल्केन है, ठीक है, लिख दे रही हूँ, क्लोरो एल्केन है. क्लोरो एल्केन एक्चुअली होता क्या है, हल्का सा वाटर से अगर इसका कंपैरिजन करोगे तो ये लाइट होता है, ठीक है, लिख दे रही हूँ, लाइटर देन H2O. लेकिन अगर हम इसी जगह पे बात करें ब्रोमो एल्केन की, ओके, या फिर हम यहाँ पे बात करें आयडो एल्केन की, ठीक है, या फिर हम ले लें पॉली क्लोरो डेरिवेटिव्स की, ओके, तो जो पॉली क्लोरो डेरिवेटिव्स होते हैं ये सभी एक्चुअली हैवियर होते हैं, ठीक है, हैवी होते हैं ये कंपेयर करें किससे, वाटर से, ठीक है, देन H2O. तो इनकी वैल्यूज हम देखते हैं तो हमारा क्या है C3H7Cl, ठीक है, ये एक स्ट्रेट चेन है, एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये एक स्ट्रेट चेन है, तो इसका आप देखिए 0.89, यानी ये वाटर से क्या है, हल्का है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी एक्चुअली कितनी होती है, 1 होती है. तो हमने देखिए यहाँ पे क्लोरो एल्केन प्रेजेंट है, तो क्लोरो एल्केन को क्या दिखा गया है कि ये वाटर से क्या होता है, हल्का होता है. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर ले लें CH3S7Br, तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये वाटर से थोड़ा भारी होता है, तो इसकी डेंसिटी होगी 1.335 ओके ग्राम पर ml. देन अगर हम बात कर दें C3H7I की, तो ये वाटर से थोड़ा और ज्यादा हैवी होता है, 1.747 ग्राम पर ml, ठीक है. तो जो हमारा C3H7Cl है ये थोड़ा वाटर से लाइट होता है वेट में, और बाकी जो होते हैं हमारा वो वाटर से भारी होते हैं, ठीक है. लेकिन अगर जैसे जैसे नंबर ऑफ, अगर आप बात करो, जैसे मैंने ये लिखा हुआ है पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स की, तो जो पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स का मतलब ये होता है कि ऐसे एल्केन जिसमें जो हमारा क्लोरीन है वो एक से ज्यादा प्रेजेंट हो, यानी मोर देन 2, ठीक है. तो यहां पर देखिए, सपोज करते हैं हमारे पास क्या है, CH2Cl2 है, यहाँ पे टोटल कितने क्लोरीन लगे हुए हैं, 2, तो ये भी क्या होगा, वाटर से थोड़ा हैवी होगा, 1.336 ओके ग्राम पर ml. नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे CHCl3 ले लें, तो देखिए यहाँ पे क्लोरीन कितना लगा हुआ है, 3 क्लोरीन है, और ये है क्या एल्केन फैमिली का, तो ये क्या होगा 1.489. अगर हम यहाँ पे CCl4 ले लें तो 1.595 हो जाएगा, ठीक है. तो कहने का सेंस ये है कि अगर आप क्लोरो एल्केन्स को लेते हो, मोनो क्लोरो एल्केन्स को अगर आप लेते हो, तो इसका जो आप देखोगे डेंसिटी वो वाटर से कम होगी. बाकी ब्रोमो एल्केन है, आयडो एल्केन्स है, पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स हैं, इन सब की जो डेंसिटी होती है वो वाटर से ज्यादा होती है. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज केमिकल रिएक्शन. ओके, केमिकल रिएक्शन. ओके, और केमिकल रिएक्शन अभी हम स्टडी किसकी करने जा रहे हैं, ब्रैकेट में लिख दे रही हूँ, हेलोइल्केन्स. ओके, तो जो यहां पर हमें मेनली स्टडी करनी है वो 3 टाइप की रिएक्शन है. एक तो हमारी होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरी हमारी होगी एलिमिनेशन रिएक्शन,
ओके। थर्ड जो हमारी होगी वो होगी रिएक्शन विद मेटल्स, ओके, रिएक्शन विद मेटल्स। ये तीन रिएक्शन हमें, टाइप की रिएक्शन हमें हेलोएल्केन्स में स्टडी करना है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, एक होती है SN1 एंड सेकेंड होगी SN2, वो हमें स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टडी करने जा रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ओके, तो बच्चों ये हम जानते हैं कि जो हमारा हेलोएल्केन्स होता है, अगर हम देखिए इसका नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, R और X होता है। ओके, R जो रिप्रेजेंट करता है वो एल्किल फैमिली के मेंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, लाइक CH3 C2H5, और जो X होता है वो रिप्रेजेंट करता है हेलोजन फैमिली के मेंबर को। ओके, तो R की जगह पे अगर हम पुट कर दें मेथिल और एक्स की जगह पे हम पुट कर दें सीएल, तो ये हमें क्या मिल जाता है, हेलो एल्केन्स मिल जाता है। तो इसको देख करके आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये कार्बन और हेलोजन फैमिली के मेंबर के बीच में बना हुआ है। इट मींस ये जो बॉन्ड है वो कैसा है, सी एक्स बॉन्ड है। ठीक है, सी के पीछे क्या लगा हुआ है, मैंने एज एन एग्जाम्पल H3 लगा रखा है मिथाइल क्लियर करने के लिए। ठीक है, तो जो सी और एक्स के बीच में बॉन्ड बना हुआ है इसमें हमें ये चेक करना है कि किसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है और किसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। तो एक चीज तो आप पढ़ते ही आ रहे हो, क्लास 10th से ही आपने पढ़ा होगा, जो हेलोजन फैमिली के मेंबर्स होते हैं लाइक CL है, BR है, F है या I है, ये सभी क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इट मींस कि इनके पास टेंडेंसी होती है कि जो इलेक्ट्रॉन शेयर किया है इस कार्बन ने और जो इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया है उसको अपनी तरफ खींचने की। ठीक है, तो ऑब्वियस ही बात है कि हेलोजन फैमिली का मेंबर है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कंपैरिजन करो तो ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन इन दोनों ने शेयर किया है उसको ये अपनी तरफ खींच लेगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज होगा और कार्बन के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। ओके, तो यहां पर केस क्या बन रहा है कि R माइनस बॉन्ड एक्स, तो यहां पर हेलोजन फैमिली के मेंबर के ऊपर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ है और एल्किल ग्रुप में जो प्रेजेंट कार्बन है इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल जिसको हम Nu- से रिप्रेजेंट करते हैं, एक्चुअली ये जो है इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती है। ओके, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब आप NCERT पढ़ोगे तो आप देखोगे पूरी लिस्टिंग दे रखी है न्यूक्लियोफाइल की, जैसे OH नेगेटिव है, ठीक है, I नेगेटिव है, CN नेगेटिव है, ठीक है, ये सब न्यूक्लियोफाइल की सीरीज दी गई है, आप देख लीजिएगा बुक में। तो ऐसी स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो पता ही है कि इलेक्ट्रॉन उसके पास ज्यादा है, तो न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली कैसी स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। ओके, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है तो ऑब्वियस सी बात है कि ये अटैक करके बॉन्डिंग वहां करेंगी जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा पर्टिकुलर बॉन्ड में। अगर ये अटैक करेंगी तो ये अटैक उसके ऊपर करेंगी जिसके ऊपर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है, तो ये जो हमारा क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये एक्चुअली अटैक कहां पर करेगा, एल्किल ग्रुप के कार्बन एटम पर करेगा और इस वाले बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और हमारे हैलाइड को लीव कर देगा। ठीक है, तो यहां पे बनेगा क्या, RNU+X-। ओके, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये लेके जा रहा है, ऑब्वियसली बात है इसने दो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच कर रखा हुआ है, तो माइनस चार्ज के साथ ये लीव करेगा, तो ये है क्या, लीविंग हेलाइड आयन। ओके, और ये हमारा एक्चुअली क्या था, हेलोएल्केन था। ये एक्चुअली हमारा क्या था बच्चों, हेलोएल्केन, एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बच्चों, तो ये एक जनरल रिएक्शन है जो किसको रिप्रेजेंट करती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को रिप्रेजेंट करती है। ओके, नेक्स्ट एक पॉइंट हम देख लेते हैं, वो है एम्बी डेंट
न्यूक्लियोफाइल, जैसे आपने लिगेंड में पढ़ा हुआ था एम्बिडेंट लिगेंड के बारे में, बस वही चीज यहां पर है, यहां पर है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ओके, ऐसे न्यूक्लियोफाइल या ऐसे न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स जो दो तरह से बॉन्डिंग कर सकते हैं, जैसे कि आपका क्या है, साइनाइड को आप ले लीजिए, जो हमारा साइनाइड होता है बच्चों, आपने देखा ही होगा कि ये क्या है, CN, ठीक है, ये क्या है, इसका नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इसके केस में यहां पर जब ये बॉन्डिंग करेगा तो कार्बन के थ्रू करेगा, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी बन जाए, ठीक है, तो यहां पर निगेटिव चार्ज किसके पास आ गया, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी किसके पास आ गई है, नाइट्रोजन के पास पास आ गई है, तो अब बॉन्डिंग किधर होगी, नाइट्रोजन के थ्रू होगी, यानी कि ए एक पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल है और इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए दो साइट अवेलेबल है, चाहे वो नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर दे या कार्बन से बॉन्डिंग कर ले, ठीक है, दोनों ही साइट अवेलेबल है, तो ऐसे न्यूक्लियोफाइल एक्चुअली एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। ओके, नाउ अब हम बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एक्चुअली कितने टाइप की होती है। तो ये रिएक्शन बच्चों दो टाइप की होती है, एक होती है SN1 और दूसरी होती है SN2, ठीक है, मैं लिख दे रही हूँ, एक होगी हमारी SN1, ओके, देन दूसरी होगी SN2, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो SN, अब हमें देखना है कि जो प्राइमरी एल्किल हैलाइड यानी प्राइमरी हेलो एल्कीन्स हैं, जो सेकेंडरी हेलो एल्कीन्स हैं और जो टर्शरी हेलो एल्कीन्स हैं, ये हेलो एल्कीन्स एक्चुअली, ये हेलो एल्किन के थ्रू एक्चुअली बहुत इजीली कौन सी रिएक्शन दी जाती है, SN1 या SN2, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हमारे पास प्राइमरी हेलो एल्किन है तो प्राइमरी हेलो एल्किन SN2 रिएक्शन बहुत इजीली देते हैं, ठीक है, कौन सी रिएक्शन ये शो करते हैं, SN2 रिएक्शन, ये आप याद रखिएगा। अगर हमारे पास सेकेंडरी हेलो एल्केन है तो सेकेंडरी हेलो एल्केन SN2 एंड SN1 दोनों ही रिएक्शन को शो करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास टर्शरी हेलो एल्केन्स है तो टर्शरी हेलो एल्केन्स केवल SN1 रिएक्शन को बहुत स्मूदली शो करते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि प्राइमरी हेलो एल्कीन SN2 रिएक्शन शो करते हैं, सेकेंडरी SN2 और SN1 दोनों ही रिएक्शन को शो करते हैं और टर्शरी केवल SN1 रिएक्शन को ही शो करते हैं। ओके, तो अब हम स्टडी करने जा रहे हैं SN2 रिएक्शन के बारे में। ओके, तो हम स्टडी करने जा रहे हैं SN2 रिएक्शन। ओके, SN2 रिएक्शन, तो SN2 रिएक्शन में होता क्या है, ये वन स्टेप में होने वाली रिएक्शन है, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये कितने स्टेप में होने वाली रिएक्शन है, वन स्टेप में। ओके, वन स्टेप में इसमें एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, यहां पर सबसे पहले जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, ठीक है, और किस पर अटैक करता है, हेलो एल्केन्स पर, ठीक है, एल्किल हैलाइड के जो कार्बन प्रेजेंट होता है उस कार्बन पर। तो अटैक न्यूक्लियोफाइल ऑन द एल्किल हैलाइड, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये काम हो जाता है। सेकेंड क्या होता है, फॉर्मेशन होता है ट्रांजिशन स्टेट का, ठीक है, फॉर्मेशन किसका होगा, ट्रांजिशन स्टेट का। थर्ड पॉइंट में एक्चुअली क्या होता है, रिलीज ऑफ हैलाइड आयन, जो हमारा हैलाइड आयन होता है वो रिलीज होता है, ठीक है, तो क्या होगा, हैलाइड आयन रिलीज, ठीक है। ये जो रिएक्शन है ये एक्चुअली है क्या, वन स्टेप में होने वाली रिएक्शन है और इसमें एक ही स्टेप में ये तीन काम होते हैं, ठीक है। चलिए हम रिएक्शन के थ्रू इसको समझते हैं। यहां पर देखिए ये हमारा क्या है, CX बॉन्ड है और हम सपोज कर रहे हैं कि भाई ऑब्वियसली बात है कार्बन की फोर वैलेंसीज होनी चाहिए, हम चारों वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं, तो यहां पर कोई एल्किल ग्रुप लगा हुआ है कार्बन के साथ, देन ये क्या लगा हुआ है, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, देन ये दूसरा हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब होता क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल आया है उससे अटैक करना है, तो ये न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा नहीं क्योंकि ये क्या है, माइनस चार्ज है स्लाइटली, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज के ऊपर ही अटैक करेगी। ओके,
तो अगर ये अटैक करने बच्चों आ रही है तो आप देखो ये फ्रंट से अटैक नहीं कर पाएगी। फ्रंट से अटैक ये क्यों नहीं कर पाएगी, क्योंकि देखिए न्यूक्लियोफाइल भी हमारा इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है और जो हमारा यहाँ पर हेलोजन फैमिली का मेंबर लगा हुआ है ये भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, तो फ्रंट से अटैक करना इसके लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, दोनों पर ही सेम चार्ज है और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप हो जाएगा जिसकी वजह से ये फ्रंट से अटैक नहीं करेगा। इसे अगर अटैक करना होगा तो ये बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है, इट मींस कि ये कहां से अटैक करेगा, यहां से अटैक करेगा। ठीक है, ये चीज समझ लीजिए कि फ्रंट से अटैक यहां पर नहीं होता, यहां पर बैक साइड अटैक होता है। तो एक चीज आपको और समझ में आई कि SN2 रिएक्शन में कौन सा अटैक होता है, बैक साइड अटैक होता है। ठीक है, अब अटैक होने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसने पीछे से अटैक किया है तो ये बॉन्ड भी पीछे ही साइड से बनाएगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या कर रहा है, बॉन्ड इसने बना लिया है स्लाइटली नेगेटिव, देन एक्स स्लाइटली नेगेटिव, ऊपर जो है हमारा वो क्या है, ये हमारा अल्किल ग्रुप है, देन ये एक हमारा हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन हमारा नीचे है। तो ये कैसी स्टेट बन गई है, ट्रांजिशन स्टेट बन गई है। और ट्रांजिशन स्टेट एक्चुअली किस स्टेट को रिप्रेजेंट करती है कि जो हमारा ये न्यू बॉन्ड है, ये देखिए ये हमारा न्यू बॉन्ड है, ये न्यू बॉन्ड बन रहा है एट द सेम टाइम पे और ये हमारा ओल्ड बॉन्ड है ये ब्रेक हो रहा है। ठीक है, इसी स्टेट को हम ट्रांजिशन स्टेट का नेम देते हैं, ऐसी स्टेट जिस स्टेट पे न्यू बॉन्ड बनता है न्यूक्लियोफाइल और कार्बन के बीच में और जो हमारा ओल्ड बॉन्ड था ऑलरेडी प्रेजेंट था कार्बन और हेलोजन फैमिली के मेंबर के बीच में वो क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। ठीक है, तो जब ऐसी स्टेट बनती है तो इसको हम ट्रांजिशन स्टेट बोलते हैं। और कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं कि ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये क्या हो चुका है, कार्बन के साथ अपना बॉन्ड बना चुका है और ये देखिए हमारे बाकी जो हाइड्रोजन है ये क्या हो गए हैं, यहां से यहाँ आ गए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखें तो हमें एक चीज समझ में आएगी कि जो मेरा कार्बन था वो कार्बन में जितने भी बॉन्डिंग थी वो पहले इस साइड थी, जब न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया तो जो नया कंपाउंड हमारा बना बॉन्डिंग क्या हो गई, इसके जस्ट अपोजिट साइड हो गई। ठीक है, जस्ट लाइक देखिए इसका केस बना रही हूं, जैसे अगर आप एक अम्ब्रेला ले लो, ठीक है, और आपका अम्ब्रेला कुछ ऐसा था, ठीक है, तो कुछ ऐसा ही आप देखिए कुछ इसका स्ट्रक्चर था, लेकिन आफ्टर रिएक्शन जो हमें प्रोडक्ट मिला वो प्रोडक्ट कुछ अलग ही मिला। क्यों? क्योंकि हमें ये कॉन्फ़िगरेशन अब नहीं मिला, हमें कॉन्फ़िगरेशन कुछ ऐसा मिला। ठीक है, देखिए कुछ ऐसा कॉन्फ़िगरेशन मिला, आप खुद ही देखिए जितने भी पहले पीछे लगे हुए थे अब वो उस साइड उलट गए हैं, इन्वर्ट हो गए। ठीक है, जैसे कि आपका ये अम्ब्रेला था जब हवा चली तो ये अम्ब्रेला क्या हो गया, एकदम पलट गया। सेम वैसी ही कंडीशन यहाँ पे क्रिएट हो गई और इसी कंडीशन को या इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन इन कॉन्फिग्रेशन। क्या बोलते हैं? इन्वर्जन इन कॉन्फिग्रेशन। कॉन्फ़िगरेशन जो था वो क्या हो गया, इन्वर्ट हो गया। ओके, न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने की वजह से। अगर ये फ्रंट से अटैक कर देता तो कॉन्फ़िगरेशन हमारा इन्वर्ट ना होता, बट फ्रंट से अटैक करना पॉसिबल नहीं था क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन डेवलप हो चुका था। ओके, तो ये क्या हुआ, जब ये पीछे गया तो बाकी लोगों ने इस बाकी लोग जो यहाँ पे इतनी डेंसिटी थी भाई, यहाँ पे एल्किल ग्रुप पे हाइड्रोजन है दो दो, तो ये क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अटैक करने के लिए प्लेस देंगे। जब इसको अटैक करने के लिए ये प्लेस देंगे तो ये क्या कर जाएंगे, पीछे के साइड मूव कर जाएंगे और ये जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है ये पीछे से आके कार्बन पे अटैक कर देगा। तो जो हमारा कॉन्फिग्रेशन होगा वो क्या हो जाएगा, जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उस प्रोडक्ट में जस्ट इन्वर्ट मिलेगा, यानी कि जो रिएक्शन में था उसका जस्ट अपोजिट कॉन्फिग्रेशन हमें देखने को प्रोडक्ट में मिलेगा। ओके, तो ये जो इन्वर्जन है इस इन्वर्जन को हम वाल्डन इन्वर्जन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो कभी वाल्डन इन्वर्जन आपसे पूछा जाएगा तो आपको SN2 रिएक्शन का एग्जांपल देना होगा। अगर हमने यहां पर कोई ऐसा कंपाउंड या ऐसा रिएक्टेंट लिया हुआ है
या आप बोल सकते हो कि हमने यहाँ पर अगर कोई ऐसा हेलोएल्केन्स लिया हुआ है जो ऑप्टिकली एक्टिव हो, तो जो हमें कंपाउंड मिलेगा बच्चों वो भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ही मिलेगा। ओके, अब ये जो रिएक्शन हमने शो करी है यहां से लेकर यहां तक, ये तो एक रिएक्शन फॉर्मेट है। हम क्या करते हैं, इस रिएक्शन के की हेल्प से एक एग्जाम्पल को सॉर्ट आउट करते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखिए हम क्या करते हैं, किसको लेते हैं, मिथाइल ब्रोमाइड को लेते हैं। ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड को लेते हैं और इसकी रिएक्शन हम करा देते हैं KOH से। ठीक है, किससे करा देंगे, KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो चलिए, मिथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला आपको पता है, ये CH3Br होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या है, C, और इससे जो हेलोजन फैमिली का मेंबर लगा है वो है Br, और पीछे कितने हाइड्रोजन हैं, टोटल 3 हाइड्रोजन हैं। ओके, प्लस का साइन लगाइए, KOH। ओके, अब देखिए यहां पर जो आपका ओ एच भाई के को अगर आप डिसोसिएट करोगे तो क्या मिलेगा, के पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव। तो यहां पर जो हमें न्यूक्लियोफाइल मिला है वो कौन सा है, ओ एच नेगेटिव है। ओके, तो ये जाएगा और पीछे से क्या करेगा, अटैक करेगा। ठीक है, अब पीछे से अटैक करेगा तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ट्रांजिशन स्टेट में ओ एच क्या करेगा, पीछे से कार्बन से बॉन्ड बनाने स्टार्ट कर देगा और आगे से फ्रंट साइड से जो ब्रोमीन और कार्बन के बीच में बॉन्ड बना है वो ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। ठीक है, तो ये जो स्टेट हमारी बन गई है ये ट्रांजिशन स्टेट बन गई है। आफ्टर देन हम क्या करेंगे, ये वाला बॉन्ड हमारा बन जाएगा और ये बॉन्ड हमारा ब्रेक कर जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा कंपाउंड, एच ओ सी। अब देखिए इन तीनों को क्या होना है, इन्वर्ट होना है। तो ये कहाँ पहुंच जाएंगे, यहां पहुंच जाएंगे। तो देखिए ये क्या हो गया है, मिथाइल ब्रोमाइड से हमें क्या मिल गया है, मेथेनॉल। ओके, मेथेनॉल, मिथाइल ब्रोमाइड किस में कन्वर्ट हो गया है, मेथेनॉल में कन्वर्ट हो गया है। अब आपको पता है के पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे बी आर रिलीज हुआ है नेगेटिव चार्ज के साथ, तो दोनों आपस में एड अप हो जाएंगे और क्या बन जाएगा, के बी आर बन जाएगा। ये तो क्या है हमारे पास, एक एग्जाम्पल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। ओके, अब हम इसका दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये तो हमने मैकेनिज्म के थ्रू समझ ली है, मैकेनिज्म के थ्रू हमने रिएक्शन को समझ लिया है। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन को समझते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास क्या है, CH3I है, ये भी हमारा एक हेलोएल्केन है और हम इसकी रिएक्शन एक न्यूक्लियोफाइल से कराने जा रहे हैं, वो है KCN। KCN को अगर आप देखोगे तो क्या मिलेगा, K पॉजिटिव और CN नेगेटिव। इट मींस हमारा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे कौन है, CN नेगेटिव। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल आकर के CH3 से अटैच हो जाएगा और के आई हमारा ओवरऑल ये रिएक्शन से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो क्या बनेगा, CH3CN प्लस के आई। ओके, तो CH3CN एक्चुअली इसका नेम होता है एल्केन नाइट्राइल। ओके, क्या नेम होता है इसका, एल्केन नाइट्राइल। तो ये सब डायरेक्ट रिएक्शन है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, और ये जो रिएक्शन हमने कराई थी ये मैकेनिस्ट के थ्रू आपने करी थी। ओके, अगर हम इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल हैं इसके। लाइक हमारे पास क्या है, RX है, और अगर आप इसकी रिएक्शन करा देंगे सोडियम एल्कोक्साइड से, यानी NaOR से। ठीक है, तो आप जान ही गए होंगे कि यहाँ पर OR एक्चुअली हमारा क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, और जब न्यूक्लियोफाइल इससे अटैच हो जाएगा और क्या रिलीज हो जाएगा, NaX, यानी कि बन क्या जाएगा, ROR- रिलीज हो जाएगा NaX। अब इस फॉर्मेट के ऊपर एक रिएक्शन हम देख लेते हैं, R की जगह पे हम पुट कर देते हैं CH2 और Br ले लेते हैं, प्लस NaO देन CH3। ओके, दोनों के बीच में रिएक्शन कराएंगे तो हमें मिलेगा CH2O देन CH3 प्लस NaBr। ओके, तो ये सारी रिएक्शंस एक्चुअली किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शंस का एग्जाम्पल है। देन हम देखते हैं कुछ और एग्जाम्पल, अगर हमारे पास सपोज करते हैं यहाँ पे क्या है, CH3Br है, यानी ब्रोमोमेथेन है। अगर ब्रोमोमेथेन की रिएक्शन हम कराएं सोडियम एसिटाइलेट से, देखिए फॉर्मूला क्या होगा, Na
सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, अगर आप इसमें देखना चाहोगे तो इसमें बड़े आराम से आप आइडिया लगा लोगे कि यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल कौन है। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अगर ये एन ए पॉजिटिव है तो ये पूरी स्पीसीज क्या है, नेगेटिव है। तो वो स्पीसीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होती है, न्यूक्लियोफाइल होती है, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन काफी ज्यादा प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब ये जो नेगेटिव स्पीसीज है ये क्या करेगी, सी एच थ्री से आकर के जुड़ जाएगी और यहां से क्या रिलीज हो जाएगा, एन ए बी आर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, देखिए तो क्या बन जाएगा, सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड सी, देन आफ्टर ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ओके, और इसका नेम अगर आपसे पूछा जाए तो बहुत इजी है, ये क्या है, प्रोपाइन है। देखने में टफ जरूर लग रहा है बट ये क्या बन चुका है, प्रोपाइन बन चुका है प्लस एन ए बी आर हमारा रिलीज हो गया। ठीक है, तो ऐसी कोई भी रिएक्शन आपको मिल जाए जो एल्किल ग्रुप पर अटैक करे किसके थ्रू, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू, ठीक है, तो वो रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप उसे भी देख लीजिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टूवर्ड एस एन वन एंड एस एन टू। ठीक है, तो हमारे पास आपको पता ही है कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी हेलो एल्केन्स होते हैं और हमें उनकी रिएक्टिविटी चेक करनी है कि एस एन वन और एस एन टू के साथ इनका ऑर्डर एक्चुअली क्या होता है। तो एस एन वन रिएक्शन के साथ सबसे ईजिली और स्मूदली जो रिएक्ट करते हैं वो है टर्शरी अमीन, आफ्टर देन सेकेंडरी एंड लास्ट में प्राइमरी अमीन। बट एस एन टू रिएक्शन की अगर हम बात करें तो एस एन टू रिएक्शन बहुत स्मूदली प्राइमरी अमीन देते हैं, देन सेकेंडरी अमीन एंड देन लास्ट में टर्शरी हेलो एल्केन। सॉरी, मैंने अमीन्स बोल दिया है, यहाँ पे क्या है, हेलो एल्केन्स है। ओके, तो एस एन वन रिएक्शन बहुत इजिली टर्शरी हेलो एल्केन, सेकेंडरी आफ्टर प्राइमरी हेलो एल्केन शो करते हैं, और एस एन टू रिएक्शन बहुत स्मूथली जो शो करते हैं सबसे ज्यादा इजिली वो हमारे होते हैं प्राइमरी हेलो एल्केन्स, देन सेकेंडरी एंड लास्ट में टर्शरी हेलो एल्केन्स। ये सीक्वेंस आपको याद करना है, ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, ठीक है, एस एन वन का मैकेनिज्म, देन एस एन टू का जो सीक्वेंस है ये आपको याद करना है, और कल के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि जो एस एन टू रिएक्शन है, एस एन टू रिएक्शन को प्राइमरी हेलो एल्केन्स बहुत इजिली क्यों देते हैं और टर्शरी बहुत इजिली क्यों नहीं देते हैं। ठीक है, कल इसके बारे में बात करेंगे और कल हम स्टडी करेंगे एस एन वन रिएक्शन को, ओके, विद मैकेनिज्म। ठीक है, ये मैकेनिज्म किसकी है, एस एन टू रिएक्शन की है। ओके, थैंक यू क्लास।